आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लपंटरबाजी करे ठीक है ना, hey, how dare you say that? तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो hey, how dare you say that? तो मतलब आपकी माँ और बहन के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और बहन किसी बहन के साथ घूम सकते हैं तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है यार, दोनों देखा जाए लड़की ही बेचारी नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन से वाले का बच्चे को, या तो गर्भपात कराएगी वो, हिंसा करेगी बच्चे की जान लेगी अपने बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, अगर बढ़ गया ये तो फंसती बेचारी कौन है, लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस कल्चर, यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है, अरे लिव इन का ये तो कुत्ते भी होते हैं गली में घूमने, ये लिव इन होते हैं असल में, साधु को समय रहे बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते भी कल्चर है बाबा।